हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आपका स्वागत है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 खत्म हुआ और टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती। रोहित की टीम ने 17 सालों का लंबा इंतजार खत्म कर दिया, जिसके बाद भारत लौटने पर जश्न भी बहुत शानदार तरीके से मनाया गया। अब सभी फैंस की निगाहें टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ओर लगी हैं, क्योंकि इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे। भारत और श्रीलंका दोनों ही देशों में क्रिकेट बहुत ही लोकप्रिय है। दोनों ही टीमें टी20 वर्ल्ड कप का खिताब भी जीत चुकी हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 20 टीमें हिस्सा लेंगी। मेजबान होने की वजह से भारत और श्रीलंका पहले से टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। वहीं जो टीमें टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 राउंड में पहुंची थी भारत को छोड़कर, उन्होंने भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी जगह बना ली है ऑटोमेटिकली। इनमें अमेरिका, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की टीमें शामिल हैं। इस तरह से 9 टीमें अपनी जगह बना चुकी हैं। वहीं आईसीसी के नियम के अनुसार बीती 30 जून तक हाईएस्ट टी20 रैंकिंग वाली 3 टीमों को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जगह मिलेगी। टी20 रैंकिंग बेहतर होने की वजह से पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और आयरलैंड की लॉटरी लग गई। इन टीमों ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में बहुत ही खराब प्रदर्शन किया और सुपर 8 राउंड में नहीं पहुंच सकी थी, लेकिन रैंकिंग की वजह से इन टीमों को डायरेक्ट टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए एंट्री मिल गई। अब जो है भारत, श्रीलंका, अमेरिका, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और आयरलैंड क्वालिफाई कर चुके हैं, अपनी जगह बना चुके हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी भी 8 स्लॉट्स या 8 पोजीशन खाली हैं और इन 8 पोजीशंस को भरने के लिए टीमें रीजनल क्वालिफायर्स खेलकर टी20 वर्ल्ड कप में जगह बनाएंगी। अफ्रीका, एशिया, यूरोप रीजन से 2-2 टीमें क्वालिफाई करेंगी। वहीं अमेरिका और एशिया पैसिफिक रीजन से 1-1 टीम क्वालिफाई करेगी। पिछली बार एशिया रीजन से नेपाल और ओमान ने जगह बनाई थी और इस बार भी यही दोनों टीमें आगे बढ़ने की बड़ी दावेदार अभी तक नजर आती हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए।